नमस्कार, कैसे इंडिया डॉट कॉम के अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो वो बात करने वाले हैं इस VI के बिना टोन वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल के बारे में, जिसका मॉडल नंबर क्या था मेरे भाई? हाँ, मॉडल नंबर है VI999M, VI999M वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल। एज यू कैन चेक आउट, ये जो वो इस तरह का डोंगल है और आप देख सकते हैं ऐसा है। और असलियत में ये बीनाटोन कंपनी की तरफ से है, बीनाटोन ने इसको बनाया है। साइड में देखना चाहें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आप 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 4G इंटरनेट आपका चलेगा और इसके अंदर आपको सिम कार्ड डालना पड़ेगा। ऑन कीजिए, हॉटस्पॉट बन जाएगा और इंटरनेट का मजा लीजिए, कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ देखें तो आपको दिखाया गया है, प्राइस इसका दिखाया गया है 3200 रुपये, लेकिन आपको ये मिल जाता है सस्ता। कितना सस्ता मिल जाता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। और प्राइस क्या है लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी इसके फीचर्स दिखाए गए हैं, CCTV, स्मार्ट स्पीकर, किसी भी तरीके के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी चीज़ में जो है इसको आप जोड़ सकते हैं। और इसकी जो वो 1 साल की वारंटी भी है। और आपको इसके अंदर मिलेगा एक USB केबल, एक वाईफाई डोंगल और एक यूज़र मैनुअल, और एक मिलेगी आपको बैटरी और वारंटी कार्ड। तो फटाफट ओपन करते हैं बॉक्स को और दिखाते हैं क्या क्या है पैकेज के अंदर। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले सामने आपको मिल जाती है बैटरी। और बैटरी इसकी मेरे को अच्छी बात लगी देखने के लिए कि ये है 2700 mAh की काफ़ी अच्छी बैटरी, जो कि आपका लंबे टाइम तक जो वो चलेगी। और उसके बाद अगर अंदर की तरफ घुसें तो आपको क्या मिल जाता है मैं दिखा देता हूँ। डोंगल मैंने साइड में रख दिया निकाल करके, और क्या क्या मिल जाता है साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ अभी के लिए। तो एक मिल जाता है यहाँ पर वारंटी कार्ड, और एक मिल जाती है मोटी सी यूज़र मैनुअल। शायद इतनी मोटी कोई यूज़ करे, पढ़े इसको। और एक साथ में मिल जाती है आपको छोटी सी ये माइक्रो USB to USB चार्जिंग केबल, जो कि छोटी सी है, बिल्कुल ही ज़्यादा लंबी नहीं है। अब ये है मेन डिवाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है VI और 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ एक बैटरी इंडिकेटर है, जो आपका नेटवर्क है वो कितना आया हुआ उस समय, और वाईफाई का जो वो आपको यहाँ पर आइकन मिल जाता है, और एक SMS अगर कोई आपकी सिम कार्ड पे आया है तो आपको डिटेल मिल जाती है। और डोंगल के पीछे की तरफ लिखा गया है बीनाटोन, और इस बीनाटोन के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ ये बीनाटोन। देखिए जनाब, ये बीनाटोन है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, वो क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये बीनाटोन रेड कलर में लिखा गया है। यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में जो वो एक सॉरी राइट साइड में आपको एक WPS बटन मिल जाता है, जिससे आप आसानी से बिना आप वाईफाई पासवर्ड के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन दिया गया है एक, बाकी इसके ऊपर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर एक लैच दिया गया है जिससे आप आसानी से इस कवर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कवर को ओपन करेंगे, इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लिखा मिल जाएगा, आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पर सिम कार्ड आपको लगानी है, SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं। सिम कार्ड मैंने पहले से ही लगा दी है, तो अभी जब वो सीधा करना कुछ खास नहीं है। बैटरी लगानी है आपकी, बैटरी लगाइए, स्विच ऑन कीजिए डिवाइस को, और ऑन करते ही आपके सामने कुछ ही सेकंडों में वाईफाई इंटरनेट जो वो बन जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर ये हमने ख़रीद लिया तो उसके बाद हमारे को कोई रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो वो हमारे को सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ऐसा नहीं है, ये आपको सीधा डोंगल मिलेगा, इसके अंदर आपको सिम कार्ड डालना होगा, रिचार्ज वही करवाने होंगे जो आप अपने मोबाइल में करवाते हैं हमेशा। अब एक मोटी बात इस डोंगल के साथ में, मैं पहले से इसका यूज़र रहा हूँ, जो कि है यहाँ पर ये है बीनाटोन का एक यूनिवर्सल जो आप समझ सकते हैं इसको। इसके अंदर कोई भी सिम कार्ड लगाइए। इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि आपको इसके अंदर सिर्फ वोडाफोन आइडिया की सिम कार्ड ही लगानी होगी, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी सिम कार्ड लगा सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो आपको इसके इंडिकेटर और इसके इंडिकेटर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इस तरफ यहाँ पर बटन आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम बटन है, WPS बटन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। और इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो आप चार्जिंग के लिए पोर्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और ये सेम है हर चीज़। इसका साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है, थोड़ा सा इसका कलर कम्बिनेशन अलग है, और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये बीनाटोन कंपनी खुद बेचती है, लेकिन ये जो है वो वोडाफोन की तरफ से बेचा जाता है। और इसके अंदर सिर्फ वोडाफोन की सिम कार्ड चलती है, तो वो सोचते हैं कि
आप इसको थोड़ा सस्ते के चक्कर में खरीदेंगे और सिम कार्ड डाल करके यूज़ करेंगे, तो वोडाफोन जो कंपनी है या वीआई बोले जिसको, वोडाफोन आइडिया, वो जब वो पैसा कमा करके इसका पैसा वसूल कर लेगी, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी महंगी होती है वरना। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक मैंने चीज़ देखी, इसकी बैटरी निकाल करके चार्जिंग लगा करके ये नहीं चलता है, और ये भी नहीं चलता है, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको, ये भी नहीं चलता है। और इसके अंदर और भी मैंने वोडाफोन आइडिया को छोड़ करके सिम कार्ड एयरटेल जियो बीएसएनएल लगा करके देखा, तो जनाब वो काम नहीं करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ वोडाफोन आइडिया की ही सिम कार्ड चलानी होगी, अगर आपके वहाँ पर नेटवर्क है तो। आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं इसका पुराना यूज़र हूँ काफ़ी, और मेरा फेवरेट जो है वो ये बिना टोन का डोंगल है, तो यही वाला सेम ही बिना टोन का ही है, बस इसके अंदर सॉफ्टवेयर में अब ऐसा डाला गया है सिक्योरिटी कोड कि और कोई सिम कार्ड इसमें ना चले। ये जो परचेज़ करना चाहें तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये की रेंज में मिलता है, लेकिन ये आपको 1,800, 1,900, 2,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सबसे पहली बात और मेन बात बताता हूँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बीना टोन ने या फिर वोडाफोन आइडिया ने मुझे ये सिम का जो डोंगल है वो नहीं भेजा है, ये मैंने खुद ने परचेज़ किया और उसके बाद अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट और इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि ऐसी गजब की वीडियोस और हम लोग देते रहें। हाँ, कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट भेजना चाहे तो मेल आईडी नीचे दिए कॉन्टैक्ट कर सकती है।